मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, सो सॉरी, जब मैं मेरे घर गई थी ना तो छोटी छोटी क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर ली हुई थी जब मैं ससुराल गई थी, बट वहाँ इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं इंट्रो रिकॉर्ड करूँ, या फिर कभी भी वीडियो का एंड नहीं करती थी, भूल जाती थी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। और मेरी तबीयत, आप सभी को पता है, पिछले 1-1.5 महीने से बिल्कुल ठीक नहीं चल रही। तबीयत से याद आया कि वहाँ के वीडियो में मैंने उस कमेंट को छोड़ दिया हुआ है कि जब आप ससुराल आते हो तो आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। हद है यार, आपकी इतनी गंदी सोच है। किसी को शौक नहीं लगा है कि वो अपनी तबीयत खराब करके बैठे, किसी को शौक नहीं है कि वो अपनी बीमारियों का मजाक बनाए। आप मेरे कितने वीडियोस देख रहे हो, प्लीज सीरियसली बताना। मैं 6-7 दिन वीडियो नहीं बनाती हूँ, कितने वीडियोस देख रहे हो। रही बात तबीयत, तो मैं खुद परेशान हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। मेरी क्या, मेरी फैमिली में कोई ना कोई बीमार ही रहता है। ये चीज़ मैं खुद झेल रही हूँ। आप देखो ना, मेरा फेस देखो, आपको मेरी आंखों में हमेशा स्वेलिंग दिखती होगी, यहाँ पर स्वेलिंग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती है। तो ये कोई नाटक नहीं होता है, जो एक्चुअल। जब मैं ससुराल जाती हूँ ना तो सोचती हूँ कि हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करूँ, सोचती हूँ, बट हो नहीं पाता है। तो 3-3, 4-4 दिन का मिला के इतू सा क्लिप मैं बना लेती हूँ। और जब मैं जाती हूँ तो लंबे टाइम तक के लिए जाती हूँ। छोटी सी क्लिप हमने रिकॉर्ड की हुई है, जब हम लोगों के यहाँ आउटिंग हो रही थी उस दिन की है। तो चलो आप लोग देख लो कि हमने क्या कुछ किया था। जंगर शोर, आप लोग बोलते हो जंगर शोर, बहू जंगर शोर हैं, लेकिन फिर भी काम करना पड़ता है क्योंकि छोटी बहू हैं। जब हिम्मत ही नहीं होगी तो कहाँ से उठेंगे। और एक ने बोला कि जब देखो तब जेठानी पे हुक्म चलाती रहती हो, तो किसी की जेठानी आपका हुक्म बिना मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगी। आप समझ जाओ, मैं सोशल मीडिया ऐसे कैमरा ऑन करके बोल रही हूँ, मेरी जेठानी भी वीडियोस देखती हैं, मेरी फैमिली के लोग भी देखते हैं, तो कोई किसी का ना हुक्म नहीं बर्दाश्त करता, सीधी सी बात है। और छोटे होने के नाते इतना तो हमारे अंदर है, संस्कार है कि ठीक है, रिश्ते को कैसे संभालना है, कैसे क्या करना है, वो हम लेके चलते हैं। पिछले वीडियो में बोला कि आपने इससे पहले बोला कि ससुराल वाले से और मायके वाले से कुछ लेना देना नहीं है, तो भाई कौन क्या कर रहा है वो मैंने आपको बताया। लेकिन मेरे खून में ही ये नहीं है कि मैं सबको ऐसे धिकार दूं या फिर मैं सबसे रिश्ता रखना छोड़ दूं, मेरे खून में नहीं है। मैं हमेशा रिश्तों को लेके चली हूं, तो आगे भी वही कोशिश करूंगी। हाँ, दिल में आ जाता है, दरार आ जाती है वो, क्योंकि वो जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके मन में बैठ जाता है, उसे आप चाह के भी निकाल नहीं सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी दिन को लेके बैठे रहोगे, आपको हर एक दिन आगे बढ़ना है। और मेरा तो ऐसा है कि मैं रिश्तों को लेके चलने वाली हूँ। चलो अब चलते हैं। एक कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी कि आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जानबूझ के, जो हकीकत था मैंने आज से पहले कभी भी नहीं बोला, आपको जानना जरूरी था इसलिए मैंने बोल दिया कि हाँ भाई। ताली ना एक हाथ से कभी भी नहीं बजती, जब एक हाथ से आदमी कितना करेगा, जब एक हाथ ही रहेगा, एक हाथ और रहेगा सपोर्ट में, मिलके ताली बजेगी। ठीक है, तो बस इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारे यहाँ बनी बाजी खाद चढ़ी, सबकी तबियत खराब है, सिर्फ नंदन ठीक है, सिर्फ नंदन ठीक है, बाकी सबकी तबियत खराब है। हाँ ठीक ही है, मतलब ठीक ही है, ठीक ही है। हाँ ठीक, भाभी तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी गरम होने के लिए, कढ़ाई गरम हो गई तो मैंने इसमें घी डाल दिया। इसके बाद थोड़ा सा हींग, फिर जीरा डालना है, इसके बाद डालना है क्या, थोड़ा सा लहसुन कुटा हुआ और ग्रीन चिली नाम मात्र की, और जब कलर चेंज हो जाए तो इसमें डाल देंगे करी पत्ता, 3-4 पत्ते काफ़ी हैं। और अब हम डाल देंगे प्याज, इसके बाद प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो टमाटर ऐड करेंगे। ये देखो, काफ़ी सिंपल खिचड़ी बना रहे हैं क्योंकि घर में सबकी तबीयत ख़राब है, सबने जो है फ्राइड राइस मार्केट का खा लिया था, हमें छोड़ के, हम नहीं खाते बाहर की चीज़ें। नेहा, भाभी, चंदन खा लिए थे, नंदन को हमने खाने नहीं दिया था। इसमें अब थोड़ा सा पैकेट वाला मसाला तो इसको डाल दे रहे हैं। तो हम लोग है ना, जो पैकेट वाला है हम लोग नहीं खाते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब थोड़ी सी आलू डाल दे रहे हैं, हम लोगों का लखनऊ वाला आपने देखा ही है कि पूरी रूटीन चेंज है एकदम नॉर्मल। इसमें ना अब चावल है और इसके बाद मूंग की दाल है, इसको हमने डाल दिया, कढ़ाई में अच्छे से भून लिया है देखो। और अब इसको हम भून रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें पानी ऐड कर देंगे।
हालत मेरी देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर से दवाइयाँ खा रहे हैं ना, तो पसीने इतने ज़्यादा हो रहे थे कि पूछो मत। मैं पता है जब रात में आया, 9:30-10 बजे आया था, मैं मना कर रही थी चंदन को कि भैया मत खाओ, मुझे अजीब सी इसमें से स्मेल आ रही है, बट चंदन ने बोला नहीं चाची, इस यहाँ पे ऐसे ही बनाते हैं। तुमने कहा खाओ खाओ, और रात से इन लोगों की सबकी हालत ख़राब हो गई। तो मैंने बोला कि बताओ कहाँ से चल के कंप्लेन करते हैं। दीप ने पैसा दिया था कि चाउमिन ले लेना, तो रात में बंद हो गया था, तो फिर उन्होंने जो है फ्राइड राइस ले लिया। मैं मना कर रही थी कि मत लीजिएगा, पानी अपने हिसाब से डाल दीजिए। यहाँ पर मैं पतली सी खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रही, तब तक प्रियू रोने लगी। फिर मुझे जाना पड़ा, क्योंकि बच्ची है किसी के पास, मेरी बिटिया किसी के पास नहीं रहती, 10 मिनट कोई उसको लेके नहीं रह सकता। मैं मेरे मतलब हर कोई चाहता है कि लें, बट कोई किसी के पास वो नहीं रहती है। मुझे इस चीज़ को लेके ना थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि लोगों को लगेगा कि बिटिया है तो बहाना पा गई हैं भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लोग बोलते ही हैं कि ससुराल आती हो तो बीमार हो जाती, बीमारी का कोई शौक नहीं है, और बीमारियां काम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती है। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है कि मैं बीमार रहूं, लेकिन क्या कर सकती हूं, हेल्थ को लेके परेशान हूं पिछले कुछ महीनों से। अब यहाँ पर मैं प्रियू को लेने चली गई थी, तो भाभी ने नमक डाल दिया, और ये देखिए खिचड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देना है, क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई थी, अच्छा हुई है शायद हुई है। तो बस इस तरीके से हमने बनाया था। उस दिन इतनी हालत ख़राब थी ना कि मैं आपको ऐसे वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन पता नहीं लोग मुझे गलत क्यों समझते हैं, मैं यही चीज़ नहीं समझ सकती हूँ। पता है मैं हर एक रिश्ते को ना परफेक्ट वे में निभाने की कोशिश करती हूँ, बट कुछ ना कुछ ऐसा लोग कर देते हैं। पता है मैं कभी भी मेरी फैमिली को लेकर किसी को लेकर बोलती नहीं हूँ, लेकिन चीज़ें जब आउट ऑफ मतलब ऐसा नहीं होता कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है ना, तो बोलना पड़ता है। फिर यहाँ पर हम लोग सब बैठ के खा रहे हैं, इग्नोर करना, रूम में लाइट नहीं है। तो अभी खा के मैं चंदन से बात कर रही थी, तो पता नहीं क्या बात कर रहे थे हमने बाद में, क्योंकि पता है इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, इतना क्योंकि गर्मी है तो फ़ैन तो चल ही रहा था, जिसकी वजह से पूरी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, और कैसे कैसे करके इतनी क्लिप रिकॉर्ड हुई है। अब यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं कहीं, वो डाल लें, तबीयत खराब है, फिर भी पति जो जबरदस्ती में बाबू जी आ गए। कहाँ जाते हैं? वोट दे। अच्छा अब की बार वोट राष्ट्रहित में है, किसी पार्टी का नाम ना बताओ एक बार, राष्ट्रहित में, ठीक चले चलो। हमको धोखा दे के ये छोड़ के जा रहे हैं मेरे को गाली में अकेले, सोचना। अरे हमको मेरा बच्चा ब्रियो है कि मैं अकेले नहीं रहूंगा। तब रास्ता भी नहीं था ना, ना मैं क्या पता, हम थोड़ी ना आए थे। बहुत ज्यादा धूप है, चलो चलते हैं अंदर, नहीं तो मेरी बच्ची भी आई हुई है, बहुत तगड़ा वाला। आज बेटा आ जाओ, चलते हैं। देखो आ जाए बेटा, आज बेटू अब आओ जल्दी चलो। अरे यार तुम कार क्या आ रहे हो भाई साहब, पानी गाड़ी में? पानी नहीं है, आओ कार में पानी है। स्टार्ट। फाइनली वोट देके आ गए, एक ही तो था। सो फ्रेंड्स अब आगे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत हालत खराब हो गई यार, पसीने तो सबसे ज्यादा मेरी खराब हुई है, एकदम पसीने से भीग गया। मत मेरी बच्ची की भी हालत खराब है, आधार कार्ड आधार, गर्मी पूरी कोशिश कर रही है आधार से हमारा जो है फेस मिलाने की, तो वो हमको मालूम नहीं है। अब चलो चल रहे हैं घर। प्रियू बोला जाए दीप, बोला जाए। सो हम लोग फाइनली वोट करके आ गए भाई, भीड़ बिल्कुल नहीं है अब, ये मेरे में तो था, हाँ इनके वाले में था, क्योंकि हमारा अलग बूथ पे था, इनका अलग बूथ पे। तो भाई अच्छा रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, फैसिलिटी अच्छा, वहाँ पे अरेंजमेंट अच्छा कर रखा था, अपनी गाड़ी लगाए, हाँ अपनी गाड़ी से गए, आराम से वोट दे के आए, मैं भाभी और प्रिया और मेरे फादर पापा जी, मैं बाबू जी मैं बोलता हूँ,
वो हम पांच लोग जाके देखे आए। ये साथ में प्रत्यु भी गया था कि देखने के लिए। हम लोग भैया वोट दे के आए राष्ट्रहित में। एक चीज तो मैं मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, मेरे हस्बैंड जी को पता है। आप लोग बोलते हो कि आपके हर ब्लॉग में कभी आपके हस्बैंड की तबीयत खराब, पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। मेरी तबीयत पिछले एक महीने से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब कहीं कुछ आराम हो रहा है तो कुछ नहीं आराम हो रहा है। आंखें आप देख रहे हो मेरी कैसे हो गई हैं, तो इस चीज को करो इग्नोर। इसीलिए कि वीडियो कब जाएगा मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे सारी एडिटिंग से एडिटिंग जो है मुझे ही सब करना है, शूट से लेके एडिट तक। तो जब मुझे भी हिम्मत आएगी, नो एनी रोल फ्रॉम माय साइड, ऑल क्रेडिट गोज टू प्रिया, वही चीज फॉर ब्लॉग एंड एडिटिंग व्हाटएवर एवरीथिंग। मैं आता हूं कभी, दो लाइन बोल के निकल लेता हूं। तो करते हैं इस व्लॉग भाई, मुझे आती भी नहीं, रीजन भी है कि मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी ठीक मैं कुछ करूं, कोई नहीं। तो मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। सोचता हूं सीख लूं, सीख लो, इतना मिनट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, सोच रहा हूँ सीख लो, ताकि अगर आप लोग चाहें तो चैनल हम भी लेके आए। हट जाओ, पता चला बाद में इनका चैनल चल गया है, मुझे छोड़ ओड़ के निकल गया। नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छा नहीं। इतना इंटरेस्ट है नहीं, मैं और क्या पता भैया इंसान की नीयत कब बदल जाए। मम्मी का फोन आ गया, ओके गाइस बाय।